जैन साथी, फिर स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कक्षा 11वीं के विषय लेखा शास्त्र का। आपका जबरदस्ती परीक्षा का जो पेपर होने वाला है उसका सिलेबस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो में आज तक बने रहेगा। जहाँ तो इस वीडियो में आपको कक्षा 11वीं के विषय लेखा शास्त्र का आपका जबरदस्ती का जो पेपर होने वाला है उसका सिलेबस बताने वाला हूँ। और इससे पहले मैं बाकी सब्जेक्ट का सिलेबस भी बता दिया गया है, तो उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी। इस वीडियो में आपको कक्षा 11वीं के विषय लेखा शास्त्र का आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस वो बताता हूँ, तो आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट चैप्टर है आपको यहाँ पर नोट कर लीजिए। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है लेखांकन एक परिचय, ये वाला चैप्टर तैयार करना है। फिर आपको जो सेकंड चैप्टर है लेखांकन के सिद्धांतिक आधार, ये वाला चैप्टर तैयार करना है। फिर आपको जो नेक्स्ट चैप्टर है लेन देनों का अभिलेखन 1, आपको ये भी तैयार करना है। उसका जो पार्ट 2 वो भी आपको तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब जो पार्ट 1 भी आपको तैयार करना है, लेन देनों का अभिलेखन पार्ट 1 भी याद करना है और पार्ट 2 भी याद करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो पांचवा चैप्टर है बैंक समाधान विवरण, ये वाला चैप्टर तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है तलपट एवं औषधियों का शोधन, ये तैयार करना है। फिर सातवां चैप्टर है हास्य प्रावधान और संचय, ये वाला चैप्टर तैयार करना है। फिर आपको वित्तीय विवरण 1 और वित्तीय विवरण 2 दोनों पार्ट तैयार करना है, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते तो इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड करना है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका जो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो हम इंस्टाग्राम पर आकर डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जी हाँ, तो इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बाकी के सब्जेक्ट का सिलेबस वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अभी जाइए और चेक कर लीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मित्रों में जय हिंद।